नहीं बिल्कुल सही रहा जी। यार दीदी का बर्थडे है ना, उसका इसे ये जो है ना, बड़े बहुत ही कहा करते थे कि ऐसे होना चाहिए लंगर। अच्छा हो जाओ ये सामान्य बात है, कोई विशेष बात नहीं है। एक सामाजिक संस्था वो लगातार रेलवे स्टेशन पे एक वर्ष से भोजन वितरण का काम करती है। रेलवे स्टेशन पे जाना, वहाँ पे निर्धन लोगों को प्रतिदिन भोजन कराना, काफ़ी सारे लोग सहयोग करते हैं, हम भी बाकी लोग भी, बड़ी बात है। माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कोविड में कोई भी व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोएगा, लेकिन ऐसे सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से ऐसे बहुत लोग भी लगातार काम करते हैं, और सरकार भी अकेले नहीं कर सकती, इन लोगों के माध्यम से ऐसे निर्धन लोगों की मदद होती है। तो कल मैं वहाँ पर गया और वहाँ पे पहले भोजन वितरण किया, भोजन वितरण करने के बाद उन्होंने कहा प्रसाद आपको लेना है, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी फिर वहीं उस पंगत में बैठ गया, क्योंकि नानक देव जी ने कहा था संगत और पंगत यही हमारी संस्कृति का मूल आधार है, तो मैं भी उसी पंगत में बैठा। पंगत में बैठने के बाद कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई गरीब अमीर नहीं होता, तो लोगों ने उसको आश्चर्यजनक तरीके से देखा, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं था। मैं तो सामान्य रूप में वहाँ बैठा, तो लोगों को लगा आश्चर्य, भाई मंत्री हैं तो पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई, पर ये हमारे स्वभाव में है, हमारी संस्कृति में है, और वे भी हमारे लोग हैं, गरीब होना कोई अपराध नहीं है, हमारे ही लोग हैं। उनके साथ बैठा, मुझको भी बहुत अच्छा लगा। बच्चों से मैंने पूछा पढ़ते पढ़ाते हो कि नहीं हो, क्योंकि सब बच्चे रेलवे स्टेशन के आसपास जो ये निर्धन लोग हैं घूमते रहते हैं, इनके बीच में कई बार मैंने पहले भी जा करके इन बच्चों का एडमिशन कराया, तो उसने पूछा कि आप स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, स्कूल बंद ही अब तो, लेकिन वे बच्चे पढ़ें आगे बढ़ें, उनको भीख ना मांगनी पड़े, ऐसा मैंने उनसे आग्रह किया।